इसके पहले वीडियो में मैंने आपको सोमैटाइजेशन डिसऑर्डर के लक्षणों के बारे में बताया था। अभी बताऊंगा मैं उसका इलाज क्या है। ताई हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला, नागपुर, पुणे, मुंबई यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। यहाँ हमारे हॉस्पिटल्स हैं। रिश्तेदारों के साथ में रिश्तेदारों के अलावा हम मनोरोग तथा व्यसनी लोगों को भर्ती करते हैं। सोमैटाइजेशन डिसऑर्डर के काफ़ी सारे पेशेंट्स हमारे यहाँ आते हैं। उसके लक्षण क्या है पहले बताता हूँ, बाद में मैं बताऊँगा इलाज क्या है। तो इसके प्रमुख जो लक्षण है, इसमें क्या होता है कि तीन प्रमुख लक्षण है। नंबर एक, एक तो इनकी जो बीमारी है वो पूरी शारीरिक बीमारी रहती है, मतलब शरीर में हर जगह जगह लक्षण दिखाई देते हैं, अलग 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 लक्षण, काफ़ी सारे लक्षण, ऐसा लगता है कि शारीरिक बीमारी है। नंबर एक। नंबर दो, 30 साल के पहले से ये बीमारी शुरू होती है और काफ़ी साल से ये बीमारी चलती रहती है, मतलब अपने पास में जब पेशेंट आते हैं तो काफ़ी साल से उसको बीमारी रहती है। और नंबर तीन, प्रयोगशाला में सभी तरह की जांच पड़ताल करने के बाद में भी कुछ भी उसमें एबनॉर्मलिटी दिखाई देती नहीं है, मतलब कोई खराबी दिखाई देती नहीं है, खून में नहीं, पेशाब में नहीं, एक्सरे में नहीं, स्कैन में नहीं, सब नॉर्मल। तो लोग जब आते हैं तब काफ़ी सारी फाइल्स उनके पास में रहती है, 5-5, 10-10 फाइल्स, काफ़ी साल से बीमारी चालू है, इलाज चालू है और उन्हें काफ़ी डॉक्टरों के तरफ इलाज किया हुआ रहता है। फिर डॉक्टर थक जाते हैं, फिर साइकेट्रिस्ट की तरफ भेज देते। इसका यदि सब जांच पड़ताल नॉर्मल है ना, तो पहले जाना चाहिए साइकेट्रिस्ट की तरफ ये पेशेंट, मगर लोग भेजते भी नहीं है क्योंकि पेशेंट को लगता है हम क्या पागल हो गए, सच्ची बीमारी है हमको। इसके इलाज के लिए एक तो ऐसा होना जरूरी है कि एक ही डॉक्टर ने उनका इलाज करना चाहिए। होता क्या है कि ये लोग कोई डॉक्टर के ऊपर विश्वास करते नहीं है, इनको ऐसा लगता है कि डॉक्टर ने बराबर जांच नहीं किया, डायग्नोसिस नहीं किया, डॉक्टर बदलते रहते हैं, ये अलग अलग जगह इन्वेस्टिगेशन करते रहते हैं, मगर हमने ये इंसिस्ट करना चाहिए कि तू एक ही जगह इलाज कर। साइकोथेरेपी इसका मतलब ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है। इनको ये समझा के देना पड़ता है कि भावनाओं का कुछ तो भी गड़बड़, आप भावना, आपकी जो भावना है ना वो व्यक्त नहीं हो रही है, इमोशंस एक्सप्रेस नहीं हो रही है, इमोशनल डिस्टर्बेंसेस बहुत है और वो शरीर के अलग अलग हिस्से से बाहर आ रही है और वो साइकोथेरेपी में हम लोगों को प्रेजेंट करवा के देते हैं। अब इमोशनल डिस्टर्बेंसेस हो सकता है कि उन्होंने कुछ खुंदक पकड़ के बैठे हैं किसी के बारे में, या कोई बात का पश्चाताप हो रहा है, या अपराधीपन की भावना है, या बदला लेने की भावना है, या ऐसा लगता है कि नहीं मैं कुछ ना कुछ इसके बारे में करूं और मैं उसको बताऊं और मैं देखूंगा बताऊंगा, एक ना एक दिन ऐसा आ जाएगा ना कि उसको बताऊंगा मैं असली कौन हूं, मतलब खुंदक ऐसे कोई पकड़ के बैठना, बदला लेने की भावना, माफ़ नहीं करना लोगों को या खुद को। तो ऐसे अलग अलग इमोशनल डिस्टर्बेंसेस एंड थॉट्स अलग अलग चलते रहते हैं, उसकी वजह से वो शरीर के रूप में बाहर आते, शारीरिक लक्षणों में बाहर आते रहते हैं। तो यदि एक डॉक्टर इलाज करता है, साइकोथेरेपी बराबर देते हैं, तो इनका 50% खर्चा हॉस्पिटलाइजेशन में जो होता है, इन्वेस्टिगेशन में जो होता है, बच सकता है। इसके साथ साथ यदि एंग्जाइटी है, मतलब चिंता है, निराशा है, डिप्रेशन है, तो दवाई से ठीक हो सकती है। अभी अभी कोई रिसर्च पेपर में ऐसा बताया गया कि एंटी डिप्रेशन यदि इनको दिया तो ये लोग अच्छे हो सकते हैं, सम्मोहन उपचार से उनको फ़ायदा हो सकता है, हिप्नोटिज्म से, और फिर ग्रुप साइकोथेरेपी में उनको फ़ायदा होता है। तो ग्रुप्स में जब लोग बैठते हैं उनको मालूम होता है कि नहीं, जो लक्षण है ये एक्चुअली शारीरिक लक्षण है, मगर वो शारीरिक बीमारी में, मतलब कोई ऑर्गन के लक्षण नहीं है, कोई अंदर कोई बीमारी नहीं है, स्ट्रक्चरल कुछ खराबी नहीं है, जो भी कुछ है वो फंक्शनल है, सभी नॉर्मल है इन्वेस्टिगेशन, तो उनको जरा रैशनल थिंकिंग करना वो चालू कर देते हैं और उनको आराम पड़ना चालू हो जाता है। तो ज़रूर ये वीडियो लोगों को शेयर करो ताकि लोगों को मालूम होगा कि ये लक्षण ठीक हो सकते हैं और उनकी जो मतलब सफरिंग जो है ना, जो तकलीफ है ना, वो ठीक हो जाएगी। हम लोगों को ऑनलाइन भी काउंसलिंग, मतलब टेलीफोनिक काउंसलिंग करते हैं, उनको सलाह देते हैं, उनको साइकोथेरेपी देते हैं, उनका इलाज करते रहते हैं।
अकोला में आना है तो अकोला में आप आ सकते हैं हमारे यहाँ और यहाँ के इलाज कर सकते हैं, या फिर हमारे अलग अलग जगह जो हॉस्पिटल से वहाँ जाके आप इलाज कर सकते हैं। आप हमारा जो मिशन है कि मेंटल हेल्थ फॉर ऑल, सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन मुक्त भारत, इसमें आपका भी हाथ लग जाएगा यदि आप ये वीडियो है ना सब ग्रुप को शेयर करते, फेसबुक के व्हाट्सएप के ग्रुप शेयर करो, सबको मालूम करने दो कि बीमारी क्या है, तो लोग अच्छा जीवन चालू करेंगे जीना और बहुत प्रोडक्टिव होंगे और हमारा देश आगे बढ़ेगा। काफ़ी सारे पेशेंट ऐसे हैं, तो जरूर लोगों को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो और बेल आइकॉन जो आता है उसके ऊपर क्लिक करो ताकि मेरे नोटिफिकेशन जो होंगे ना वीडियो के वो आपको सबसे पहली बार आ जाएंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।